इस समय एक बाबा है बहुत चर्चित है, राम भद्राचार्य। क्योंकि ये तर्कवादी सम्मेलन है तो तर्क की बात होना जरूरी है। राम भद्राचार्य, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, एक बात और समझिएगा, जैसे अभी लक्ष्मण जी ने एक बात कही थी, मैं भी कह रहा हूं कि इस मंच पर जो कुछ भी बोल रहा हूं उस सब में ईश्वर की मर्जी शामिल है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए जो भी कहूंगा इसका मतलब उसी की मर्जी से कहूंगा। तो उसी ईश्वर ने मुझे बताया है कि जाओ और इन सब लोगों को जाकर के समझाओ कि मेरे नाम पर कोई व्यक्ति बीच में फिरकी ले रहा है, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। तो वही राम भद्राचार्य तथा मंचों पर कहता था कि हनुमान का जाप करो, रामायण का जाप करो तो बीमार नहीं पड़ोगे। वीडियो उठाकर देख लीजिए गूगल में, उसी का वीडियो है। और वही जब बीमार पड़ता है तो कहां एडमिट होता है? अस्पताल में कि मंदिर में? अस्पताल में। इसका मतलब उसको पता है कि अस्पताल से ही इलाज होगा, मंदिर से नहीं होगा, उसको पता है। मगर हम सब लोगों को यह बताया जाएगा कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लक्ष्मण भाई बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी को बड़ी ईमानदार पार्टी मानता हूं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। आप गलत कह रहे थे कि वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, उन्होंने बिल्कुल सच कहा। उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि जो राम को लाए हैं हम, मतलब राम थे नहीं, हमें लाना पड़ रहा। और अगर अब पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने पड़ रहे हैं तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में पहले से जो राम मंदिर है, मतलब उनके राम में प्राण नहीं थे। मतलब तो यही हुआ कि जब अब प्राण डालना पड़ रहा है। इसीलिए किसी ने बहुत सही बात कही थी कि अगर प्राण डालने का सिस्टम, प्राण डालने की पद्धति अपने देश में आ गई है तो जो प्राण डालने वाले लोग हैं इनको बॉर्डर पर खड़ा कर दो, जैसे ही कोई शहीद होगा सैनिक उसके प्राण डाल दिए जाएंगे। मजा आ रहा है ना सुनने में? दिक्कत यह है कि मजा, जब मैं इस तरह की बात कर रहा हूं तो इसमें भी मजा आएगा, मेरा कोई विरोध करेगा तो उसमें भी मजा आएगा। हम अमूमन ताली बजाने के आदि पड़ चुके हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं इस मंच से कि अगर ये सारी बातें आप पहले से समझ रहे हो तो उनको अपने घर में अमल में लाना है। केवल सहमति में सिर नहीं हिलाना है, अपने घर में भी अमल में लाना है। और पाखंड के तीन बड़े आइडेंटिटी कार्ड, गौर करिएगा कि चाहे नमो बुद्धाय, जय भीम कितने भी तेजी से बोलो, अगर पाखंडवाद के तीन आइडेंटिटी कार्ड आपके शरीर पर हैं, एक दो और तीन, ये तीन गुलामी की निशानी अगर आपके शरीर पर है तो आज के बाद नमो बुद्धाय और जय भीम बोलना बंद कर देना। क्योंकि लाल धागे के साथ जय भीम और नमो बुद्धाय का कॉम्बिनेशन मिल नहीं पाता है।